तो फाइनली मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जो मैं पेपर लेके आया था मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं पेपर लेके आने वाला हूँ, क्योंकि जो वॉलपेपर मेरा आया है वो कुछ इस तरीके का है। आप ये देखिए, ये किचन वॉल स्टिकर है, तो मैं अभी इसको इस दीवार पे लगाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा गैस रखा रहता है तो मुझे इसी वॉल पे लगाना है ये, तो मैं इसको बस अभी बुरहान मेजरमेंट ले रहा है। तो बुरहान कितनी हाइट है हमारी वॉल की? 1300 हमारी वॉल की हाइट है, और जो लंबाई है 2410। तो ये जो बुरहान के आप हाथ में देख रहे हैं जो रोल आया है, तो मैंने इस तरीके के 3 रोल मंगाए हैं स्टिकर, तो ये 2 मीटर बाई 600 का है। इसकी जो लेंथ है तो वो 2 मीटर है, और जो इसकी वेट है वो जो चौड़ाई है वो इसकी 600 है, तो यानी कि तकरीबन 2 फीट के करीब ये तुम्हारा हो गया चौड़ाई में, और जो इसकी लंबाई बैठ रही है वो बैठ रही है तकरीबन 6 फुट 7 इंच के करीब इसकी लंबाई बैठ रही है हमारी। तो अभी हम अपनी वॉल को और ज़्यादा इन्हेंस करने जा रहे हैं, और ज़्यादा इस किचन के लुक को बेहतरीन करने जा रहे हैं हम। कलर तो हमारा हो ही गया है पूरा कंप्लीट, लेकिन हम सोच रहे हैं क्योंकि इसी वॉल के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा जो भाप, जो स्टीम, जो भी हमारा चिकना वगैरह सब जमता है, तो इसी वजह से हम इस वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वॉल पे ये हम वॉल स्टिकर लगा रहे हैं। ये एक पीवीसी वॉल स्टिकर है, तो ध्यान रखें बहुत ही सावधानी, फायर प्रूफ, और फायर प्रूफ भी है इसे, ये वाटर प्रूफ भी है और हीट प्रूफ भी है, और एडहेसिव वॉल पेपर है। बुरहान को हंसी पता नहीं क्यों आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप एक चीज़ का बहुत ही खास ध्यान रखना है, देखिए जिस तरह बुरहान कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ उभरा हुआ आपकी वॉल पे रहे, कुछ भी फोड़ा हो रहा हो या कलर फूला हुआ हो, उस चीज़ को पहले ही आप इसकी मदद से कुछ भी लोखंड की चाहे नाइफ ले लें या कुछ और ले लें, मेरे पास ये पतरा है कलर वाला, तो इससे आप इस चीज़ को निकाल लें, वरना क्या है आपका पेपर फूल जाएगा उधर से ही और सही से लगेगा नहीं। और वो वाला भी मैं दिखा देता हूँ, वो उसकी मेरे याद नहीं रही वीडियो बनानी, मैं जब DIY से निकला था तो मैंने इसकी वीडियो तो आपको दिखा दिया था जो मैं रोल लेके आया था, लेकिन मैंने इसकी वीडियो बनाई नहीं, याद नहीं रही, तो मैं आपको इसकी वीडियो दिखा दूंगा लगाते हुए। तो ये देखिए, यहाँ हमारा मिक्सर रखा रहता है, मिक्सर ग्राइंडर, तो मैंने ये इस तरीके से करके लगाया है, आप देखिए ये कितना ज़बरदस्त लगा है। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये PVC स्टिकर है, इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, वरना ये खींचता है और बढ़ता भी है। आप ये देखिए, कहीं कहीं से ये मेरे से भी ख़राब हुआ है खींचने की वजह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम लगाया हमने भी, तो इस वजह से इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये कोई रबड़ नहीं है, आप अपने अपने सॉफ्ट हाथों से लगाएं इसे, ये किसी लेडीज़ की मदद ले लेना भाई। और देखिए ये कितना बेहतरीन टेक्स्चर दे रहा है वाइट वॉल पे। ये यहाँ पे हमारा मिक्सर ग्राइंडर रखा रहता है, और एक वॉल पे मैंने यहाँ पर लगाया है, ये मुझे 2 रोल लगे, 450 का था ये, और इसकी जो लंबाई थी वो 3 मीटर 300 इसकी लंबाई थी, तो एक ये यहाँ पे लगा, फिर एक ये यहाँ पे लगा, और ये इस तरह से 3 टुकड़ों में मैंने इसे यहाँ पर लगाया, क्योंकि क्या हो गया सीधा वॉल पेपर लग नहीं रहा था, मेरी जो वॉल है वो यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्लोप हो गई है, तो इस वजह से जब मैं लगा रहा था इसे तो ये बैंड हुआ जा रहा था, तो इसलिए मैंने 3 टुकड़ों में लगा लिया। यहाँ मेरा डस्टबिन रखा रहता है, तो ये वॉल सबसे ज़्यादा गंदी होती है, और यहाँ पे हमारी वॉश बेसिन है, और जब काम करते हैं ये घर के लोग तो ये सारा का सारा पानी, जितना भी वेस्ट वाटर है वो इस दीवार पे जमता था, और ये दीवार बहुत गंदी लगती थी, और इस तरीके से ये यहाँ पे मैंने इसे इतना इतना यहाँ पे फोल्ड कर दिया है, आप ये देखिए ये फोल्ड कर दिया है मैंने, तो मेरी दीवार इतनी बेहतरीन लग रही है, मेरी जो वॉल है कितनी ज़बरदस्त इन्हेंस हो गई है, टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आ रहा है आप देखिए इसका। ये देखिए आप इस पे से पेपर को ऐसे करके छुड़ा लेंगे, PVC जो इसकी जो PVC आई है ये फ्लिपकार्ट वाले बहुत ही घटिया माल देते हैं, बहुत ही बारीक है इसकी PVC, और ये इस तरीके से देखिए अलग हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का निकलेगा। तो अभी मैं इसे पकड़ लेता हूँ बुरहान के साथ में, और हम इसे दोनों मिलके लगाएंगे, एक कॉर्नर बुरहान में पकड़ लिया है और एक कॉर्नर में पकड़ लूंगा,
मैंने इसको इधर से ऐसे इसका पीवीसी इसका उतार लेता हूं मैं। ये देखिए ये इस तरीके से मैंने भी इसका ये उतार लिया है और थोड़ा सा पेपर को छुड़ा देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से बहुत ही इसको आराम से आपको चिपकाना है। पहले आप बीच में से इसे लगाएं इस तरीके से, और वरना ये क्या हो गया कि उससे हल्का पेपर आया है, बहुत ही फ्लिपकार्ट वालों ने बहुत ही घटिया क्वालिटी दी है, ये बार बार इसमें शम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल पन्नी टाइप सा आया है, स्टिकर बढ़िया नहीं है। स्टिकर मैंने जो देखा था यूट्यूब पे जो वीडियो देखी थी वो थोड़ा अच्छा था, थिक था, थोड़ा मोटा था वॉल पेपर स्टिकर, ये कुछ ज्यादा ही पतला है और ये बार बार शम पड़ते जा रहे हैं, बढ़िया इसमें मजा नहीं आ रहा है। आप बीच में से इसे लगाते चले जाए बहुत ही धीरे धीरे से, आप एक आदमी की और मदद ले लें क्योंकि सिंगल आदमी से लगेगा ही नहीं बराबर से, इतना ध्यान रखें आप। तो देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है ये एक वॉल पेपर मेरा तैयार होने वाला है लगने के लिए, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे से बना रहा हूँ, या तो मैं वीडियो को बीच में पॉज कर देता हूँ वरना तो बहुत टाइम लग रहा है इसे लगाने में, और शर कम से कम 4 या 5 बार शर पड़े हैं क्योंकि आप इसकी देख सकते हैं बहुत ही हल्का है ये, बहुत ही हल्का ये पीवीसी है, और शर देख सकते हैं आप किस कदर खिंच रहा है, किस कदर बार बार ये शर आए जा रहे हैं इसके अंदर, सर्वट आपको बार बार निकालते रहने पड़ेंगे, बहुत ही आराम से लगाए। और ये लास्ट मोमेंट है, ऐसे धीरे धीरे करके हमने इसे लगाया है, ऐसे हल्के हल्के से छुड़ा लें इसे, देखिए ये बाकी रह रही है। ₹10 का ये बाहर से पतरा मिलता है लोहे का, बुरान जरा इन्हें एक लोहे का पतरा दिखाओ, ये बाहर से कलर वाले यहाँ से आप इलेक्ट्रिशियन वालों के यहाँ से ले सकते हैं, कलर वालों के यहाँ से भी ले सकते हैं, पेंट वालों के यहाँ ये पतरा मिलता है ₹10 का। ये फनर की पत्ती कह के मिल जाएगी आपको या पतरा कह के, उसके ऊपर एक कॉटन का टी शर्ट का कोई खराब कपड़ा चढ़ा ले और उसके ऊपर हल्के हल्के वॉल पेपर से वॉल पेपर के ऊपर इसे स्टिकर के ऊपर मारते रहे धीरे धीरे, जिस तरह आप ये देखिए पूरा जैसे करेगा इसे ऐसे हल्के हल्के करते रहे, तभी आपका वॉलपेपर ये स्टिकर अच्छे से लगेगा, नहीं तो सलवट पड़ना लाजमी है। अगर सलवट नहीं आएंगे, रिंकल नहीं पड़ेंगे इसके अंदर तभी ये अच्छा भी लगेगा, वरना तो इसमें मजा नहीं आएगा और आपकी दीवार बेकार दिखेगी। और एक पूरा ये ओवरलुक देख लीजिए हमारे दीवार का, ये इस तरीके का आपको दिख रहा है, और आप अपने घर के अंदर इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं, आप अपने जैसे बेड की जो वॉल रहती है अपना ड्राइंग रूम की या और कहीं की या हॉल की, आप उसको भी इसी वॉल पेपर से स्टिकर से उसको सजा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि कलर हुआ है जैसे ऑयल पेंट हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है ये। तो आप इसको और अच्छे से करके इसी तरीके से लगा सकते हैं, अलग अलग अमेजोन पे भी मिलते हैं ये और फ्लिपकार्ट पे भी मिलते हैं, फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा आप देख के मंगाएं, जो भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखें और जो आपको रिकमेंड करे यानी कि वही मंगाएं वॉल पेपर में, क्योंकि इसमें कई तरह की क्वालिटी आती है, अच्छा भी होता है ख़राब भी होता है। तो मेरे पास जो वॉलपेपर आया जो मैं वीडियो में देखा था वो थोड़ा थिक था, लेकिन ये बहुत ही पतला वॉलपेपर आया जिसे लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है हमें पता है इसे लगाने का तरीके का, क्योंकि हमने यूट्यूब पे देख लिया था, तो इस वजह से ये लग रहा है अच्छे से, अल्लाह का करम है जो सही से लग गया, वरना तो आपके पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं, इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैंने एक पहले इस तरह करके लगाया था, अब मैंने क्या क्या है इसी वॉलपेपर को ऐसे घुमा दिया है क्योंकि मुझे डिजाइन को मैचिंग करना है। तो ये देखिए ये मेरा जो डिजाइन है ये जो आ रहा है मुझे इस तरह से इसके साथ मैचिंग करना है, तो तभी आपकी दीवार का जो लुक है तो वो और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा, तो तभी ये और अच्छी रहेगी, अभी ये लगने के बाद में जब फिनिशिंग दिखेगी आपको तो और अच्छी रहेगी। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है कि जब फोन को लगाएं तो उल्टा इधर उधर करके देख लें ताकि आप अपने डिजाइन को मैच कर सके, वरना अगर मैं इसको ऐसे ही करके लगा दूंगा जैसे ये ऊपर का डिजाइन है, ये
देखे 3W से आप देख सकते हैं, तो वह ओ वाला इधर था और ये 3W से अभी यह एम बन गए हैं, 1, 2 और ये 3। तो ये मैंने इसे उल्टा कर दिया तो हमारा डिजाइन मैच हो गया। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है लगाते हुए वॉलपेपर को। तो फाइनली देखिए हमारा ये कितना जबरदस्त लग रहा है वॉल स्टिकर। ये हमने अपना वॉल स्टिकर पूरा लगा लिया है। अब जो चीज़ यहाँ पर लगनी थी वो हम, जैसे अब ये यहाँ हमारा ये स्टील का रैक लगेगा यहाँ पर, और ये एक ये है यहाँ पे स्पून स्टैंड, यहाँ पर नाइफ स्टैंड है इस भी बोलते हैं इसे, तो ये भी वो लगा दिया बुरहान ने, और जहाँ जहाँ इसके होल थे तो वो बुरहान अभी लगा रहा है। तो ये मार्बल वॉलपेपर है, आपको इस मार्बल वॉलपेपर को जिस तरह से मैंने आपको बताया है इसी तरीके से लगाना है। और ये तभी ये मैंने देखिए इसका डिज़ाइन भी मैंने मैचिंग कर दिया है, यहाँ भी और यहाँ पर भी इसी तरह मैंने डिज़ाइन भी मैचिंग करके लगाया है। आपको भी इसी तरीके से लगाना है। तकरीबन हमें 2 घंटे लग गए इसे लगाने में, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बहुत अच्छे से लग गया है। तो आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। और अभी हमारी जो ये रैक है स्टील की, ये लगनी रह रही है यहाँ पर, ये हम अपनी बर्तनों की रैक लगा देंगे। यहाँ पर ये नाइफ स्टैंड लग गया है हमारा, नाइफ और स्पून स्टैंड। तो बस मैं आपको ये बताने वाला था, ये दूसरा पार्ट था मेरी वीडियो का। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट के ज़रिए लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।